अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, उसके साथ साथ स्किन और बालों का ख्याल रख रहे होंगे। स्किन और बाल ये तो हमारे अपने हैं, और जिस तरह से हमारे बाकी रिलेटिव्स होते हैं, जैसे रिलेशंस होते हैं, इसमें हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारे बहन भाई भी होते हैं, उसी तरह से जो हमारी स्किन है ये भी तो हमारी अपनी है, और जो बाल हैं वो भी हमारे अपने होते हैं, तो इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जी बताएं आप लोग कैसे हैं, और सर्दियों के मौसम में क्या क्या चल रहा है? और आई थिंक सबके पास ये, अगर लाइट होती है तो गैस नहीं होती है, अगर गैस होती है तो लाइट चली जाती है, तो कुछ ना कुछ जाता रहता है और हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ हर वक्त हमारे पास अवेलेबल होती है, और जब तक वो चीज़ हमारे पास होती है हमें शायद उसकी इम्पॉर्टेंस पता नहीं चलती है, और हमें ये एहसास ही नहीं होता कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जब तक कि हमारे पास थी कितना अच्छा जो है ना वो लगता है। तो इसमें आपने ये चीज़ देखनी है, या इसमें आपने ये चीज़ देखनी होती है कि आपकी स्किन जो है या आपकी हेल्थ जो है वो भी ठीक रहे, वो भी अच्छी रहे, और उसके साथ साथ क्या हो, हमारी स्किन जो है वो भी अच्छी रहे। और इसको अच्छा रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये अच्छी रहती है, तो इसका मतलब ये भी होता है, अच्छी स्किन का मतलब ये भी होता है, या अच्छे बालों का मतलब ये भी होता है कि आपकी बॉडी भी हेल्दी है, क्योंकि हेल्दी स्किन जो है वो हमेशा हेल्दी बॉडी के साथ ही होती है। चलिए जी, साथ साथ ये भी बताते जाएं कि आप लोग सर्दियों में किस तरह के कपड़े या किस तरह के कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दियों में वार्म टोन्स जो हैं वो थोड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े डार्कर टोन्स, वार्मर टोन्स अच्छे लगते हैं, तो लिप कलर्स जो होते हैं वो भी चेंज करके लगाते हैं, तो इस मौसम में अच्छे लगते हैं, और उसी तरह से कपड़ों का कलर जो है वो भी थोड़ा वार्म टोन, डार्क टोन्स होते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो आप लोग साथ साथ ये भी बताते जाएं, अपने क्वेश्चंस क्वेरीज भी भेजें, और साथ साथ ये भी बताते जाएं कि आप लोगों को किस किस्म के कलर्स पहनना पसंद है, और किस तरह का टोन जो है वो आपको विंटर्स में अच्छा लगता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम आते हैं उसकी तरफ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो इतनी कॉमन बात है, इतनी कॉमन चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उसके ऊपर बार बार जो है वो हमें बात करते रहना चाहिए, और आप लोगों को रिमाइंडर देना बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग इसे भूल ना जाए। मैं बात कर रही हूँ सन प्रोटेक्शन या सन ब्लॉक की। सन ब्लॉक या सन प्रोटेक्शन इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बल्कि इसे कहना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल है आपकी डेली रूटीन में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है उसका कलर ख़राब ना हो, उसकी टोन अच्छी रहे और वेल मेंटेन्ड रहे, इवन रहे, और आपकी स्किन जो है वो बुरी ना हो, उसके ऊपर एजिंग के जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें ओपन पोर्स हैं, जिसमें अनइवन टोन है, उसमें सन स्पॉट्स भी आ सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो फाइन लाइन्स, रिंकल्स और सैग, ये सब कुछ ना हो, तो इससे बचने के लिए भी आपको एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है जो कि बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ योर सन प्रोटेक्शन। अभी सबसे पहले मैं बात करूँगी कि इसके सन ब्लॉक के बारे में इतने सारे मिथ्स हैं, तो पहले हम मिथ्स जो है ना उनको बस्ट कर लेते हैं, और जो मिथ बस्टर्स होते हैं ना वो बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती, मैं तो सारा दिन घर में होती हूँ, तो मुझे तो सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। जी आपको भी सनब्लॉक की ज़रूरत है, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि जब आप इनडोर्स होंगे तो आपका जो री एप्लीकेशन का टाइम, यानी कि सनब्लॉक को दोबारा लगाने का टाइम ड्यूरेशन होगा, वो 5 आवर्स होगा, ठीक है। अगर कोई बाहर रहता है, आउटडोर्स है या बाहर क्या हुआ है, तो फिर आपका जो सन प्रोटेक्शन या सन ब्लॉक को दोबारा से रीअप्लाई करने का या रिपीट करने का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो छोटा हो जाएगा, और आप हर 3.5 से 4 घंटे के बाद उसको दोबारा लगाएंगे। उसी तरह अगर आप बीच पे होंगे, बीच पे गए हुए हैं, या पानी के पास हैं, या फिर जो है वो स्नो वाला एरिया है, या फिर डेजर्ट वाला एरिया है, तो वहाँ पे भी यही होगा कि आपका जो रिपीट टाइम होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट इंटरवल्स के बाद आप सनब्लॉक को दोबारा लगाएंगे, जैसे आप हर 2.5 से 3 घंटे के बाद सनब्लॉक को दोबारा लगाएंगे। और ये मैं अच्छी प्रोटेक्शन वाले सनब्लॉक्स की बात कर रही हूँ, तो बीच वगैरह पे हों या सैंड जहाँ पे हो उधर आप हों, या जहाँ पे स्नो हो उधर आप हों, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो एप्लीकेशन का टाइम है, ड्यूरेशन है,
वो शॉर्ट हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी सनब्लॉक को रीअप्लाई करेंगे। फिर एक और चीज़ आती है, आजकल तो सूरज ही नहीं निकलता, आजकल तो धूप ही नहीं होती है। भाई धूप नहीं है तो क्या हुआ, सूरज तो निकला हुआ है तो दिन हुआ है ना। सुबह होने का मतलब क्या है, अगर सूरज निकलेगा तो सुबह होगी ना, तो सुबह हो गई तो इसका मतलब है कि सूरज तो निकल आया है। अब जो सूरज की श्वाएं हैं या फिर जो रेडिएशन है, सन रेज हैं, वो तो नीचे वैसे ही आ रही हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि धूप नहीं है और मौसम ठंडा है तो आपको सन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे मौसम में भी सन प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसे ही होता है। उसके बाद आ जाता है कि जी मैं तो क्या कहते हैं, किचन में ऐसा कोई काम ही नहीं करती हूँ तो मैं सनब्लॉक क्यों लगाऊं। जी आपने भी सनब्लॉक इसीलिए लगाना है कि सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है। जो सन रेज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक UVA और UVB। UVC भी होती है, लेकिन UVC जो है वो उसको ओजोन लेयर और वो सब चीज़ें जो है ना वो खुद ही रोक देती हैं, नेचुरल प्रोसेस ही होता है तो उसके अंदर वो रुक जाती है। लेकिन जो आपकी UVA UVB है वो नहीं रुकती है। UVB जो है वो विंडो ग्लास के बाहर तक रहती है, बट जो UVA है वो विंडो ग्लास से अंदर आ जाती है। तो इसलिए प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। और इससे अच्छी क्या बात है कि हम एक चीज़ यूज़ करके अपनी स्किन का कलर, उसका टोन और उसकी एजिंग को दूर रख सकते हैं और होने नहीं दें और उसको प्रिकॉशन दे दें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है, मेरी स्किन को सनब्लॉक सूट नहीं करता। भाई ढेरों ढेर हजारों तरह के सनब्लॉक्स अवेलेबल हैं, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो सूटेबल होगा आप वो यूज़ कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में ऐसे सनब्लॉक, ऐसा कोई सनब्लॉक नहीं है कि वो आपकी स्किन टाइप पे या आपकी स्किन पे के लिए सूटेबल ना हो। डिफरेंट तरह के सनब्लॉक्स अवेलेबल हैं, तो आपकी जो भी स्किन टाइप है या जो उसकी स्किन आपकी स्किन को सूट करता है आप वो यूज़ कर लें। तो उसको चेंज करके यूज़ करना या चेक करते रहना या चेक करके लेना, या फिर आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, वो देख के आपको टेलर मेड चीज आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो दे सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है। उसके बाद आ जाता है कि आप कॉस्मेटिक कम सनब्लॉक खरीद लेते हैं। जैसे आपने कहा कि जी मैं तो आपसे हमने पूछ जैसे मैं आपसे पूछूं, आप मेरे पास आए, मैं आपसे पूछूं कि आप सनब्लॉक लगाती हैं, तो आप कहती नहीं नहीं मैं बीबी क्रीम लगाती हूं, उसमें जो है ना वो 19 SPF है। अब 19 SPF जो है वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, तो आपको ये पता होना चाहिए। या फिर लोग बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज का नाम लेते हैं कि मैं इस कंपनी का सनब्लॉक लगा, ठीक है, आपने कॉस्मेटिक कंपनी का बना हुआ सनब्लॉक नहीं लगाना, आपने मेडिकल ग्रेड का बना हुआ सनब्लॉक लगाना है। क्योंकि सन प्रोटेक्शन जो है वो ही तो सब कुछ है। अगर आप अच्छे वाला नहीं लगाएंगे तो प्लीज ना ही लगाएं, क्योंकि उसका कोई फायदा होने नहीं वाला। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिथ है कि जी आप सनब्लॉक लगा रहे हैं, मैं तो वही वाली चीज लगाती हूँ जिसके अंदर सनब्लॉक डला हुआ होता है, उसमें कितना SPF लिखा हुआ है, जी उसमें 19 SPF लिखा हुआ है, उसमें 20 SPF लिखा हुआ है, That is not enough, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप मेडिकल ग्रेडियंट का जो सनब्लॉक होता है वो ही आप यूज करें, ठीक है। मतलब मेकअप बनाने वाली कंपनी का नहीं, दवाइयां बनाने वाली कंपनी का सनब्लॉक आपने यूज करना है। एक ये वाली मिथ हो गई। अब मैंने जितना मुझे याद आ रहा है या जितने क्वेश्चंस जो हैं या जितनी क्वेरीज मेरे सामने आती हैं, इतने सालों से आ रही हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपसे बात की है, ताकि आप लोगों की बहुत सारी जो भी क्या कहते हैं मिथ्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएं कि ऐसे नहीं होता। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि सनब्लॉक जो है वो मेल नहीं लगाएगा, फीमेल की कोई चीज़ है कि वो लगा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल फीमेल, बल्कि मेल जो होते हैं वो ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी करते हैं हमारे यहाँ, तो उनको ज़्यादा सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कम की नहीं बल्कि ज़्यादा सन प्रोटेक्शन की जो है वो ज़रूरत है। अच्छा जी, ये तो हो गए मिथ बस्टर्स, और मिथ बस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। हो सकता है आपने किसी से ये क्वेश्चन ना किया हो, लेकिन आप मेरी बात सुन रहे हैं तो सुनते सुनते ही आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं बगैर क्वेश्चन पूछे भी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि कितना SPF होना चाहिए हमारे यहाँ, क्योंकि 9 months जो है वो बहुत गर्मी का मौसम होता है, और फिर 3 महीने आप या 4 महीने हार्डली आप लगा लें सर्दियों के मौसम के। लेकिन जिस किस्म का वेदर है हमारा उसके हिसाब से 50 SPF, जो SPF लिखा हुआ होता है वो UVB रेज का कवर बताता है, और उसके साथ प्लस का साइन होता है, जो प्लस का साइन है वो UVA रेज का कवर बताता है।
तो आप वो वाला सनब्लॉक लें जिसमें 50 SPF हो और एटलीस्ट 1 या 2+ के साइन हो. इसका मतलब ये है कि UVA UVB दोनों का कवर है. उसके बाद एक और मिथ है कि जी मेरी स्किन ऑयली है और जब मैं सनब्लॉक लगाती हूँ तो वो और ज़्यादा ऑयली हो जाती है. वो इसलिए होती है बिकॉज आप सूटेबल सनब्लॉक नहीं लगा रहे. अगर आपके पास सूटेबल सनब्लॉक होगा और आप वो लगाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा. उसके बाद एक और चीज़ आती है, सनब्लॉक लगाने के बाद या तो मुंह पहले वाइट वाइट लगना शुरू हो जाता है, जैसे कुछ पता नहीं क्या कोई पॉलिश टाइप की चीज़ है लगाई हुई, और उसके बाद वो ग्रे हो जाता है या डार्क लगना शुरू हो जाता है. ये तब होता है जब आप कास्ट छोड़ने वाले सनब्लॉक्स लगाते हैं. जिस सनब्लॉक में कास्ट नहीं होगी वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो कोई कास्ट नहीं देगा, वो आपकी स्किन के कलर की तरह इनविजिबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वो कोई कलर नहीं देगा. ठीक है. अच्छा, फिर एक और मिथ जो है वो ये है कि सनब्लॉक लगा के मेरी स्किन ड्राई हो जाती है. भाई सनब्लॉक आपका मॉइस्चराइजर नहीं है. मॉइस्चराइजर अलहदा होता है, सनब्लॉक अलहदा होता है. आप अगर अपनी स्किन के हिसाब से सूटेबल सनब्लॉक लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा. और मॉइस्चराइज करना इज समथिंग एल्स और सन प्रोटेक्शन जो है वो डिफरेंट चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं है. सनब्लॉक से आप ये मत समझें कि सनब्लॉक मॉइस्चराइजर है, वो मॉइस्चराइजर नहीं है. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ड्राई स्किन के लिए जो सनब्लॉक सूटेबल है आपको वो दिया जाए या आप वो लगाएं. तो ये थी जी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जो है वो मिथ्स जिनको मैंने बस्ट किया है ताकि आप लोगों को फायदा हो और आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो सके. अब हम आ जाते हैं कि मैंने आपको बताया कि आपने सनब्लॉक लेना कैसे होता है. सनब्लॉक आपने लेना है, SPF देखें तो वो एटलीस्ट 50 SPF हो और प्लस का साइन 1 या 2 जरूर उसके ऊपर डले हुए हों. ठीक है. अब जो सनब्लॉक को रीअप्लाई करने का टाइम है, ड्यूरेशन होता है या गैप होता है, वो अकॉर्डिंग टू दी SPF फैक्टर एंड प्लस साइंस होता है. अगर 30 SPF आप लगा रहे हैं तो फिर तो आप हर 3-3.5 घंटे के बाद सनब्लॉक दोबारा से लगाएंगे. इतना तो पॉसिबल नहीं होता ना, इट्स नॉट फीजिबल. ये प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं हर वक्त सनब्लॉक ही लगाए जा रही हूँ. मैंने काम नहीं करना, मुझे और कोई काम नहीं है कि मैं हर वक्त सनब्लॉक लगा रही हूँ. इसलिए ये आपको जो मैं SPF और ऊपर प्लस के 2 साइन बता रही हूँ, ये बहुत स्मार्ट वाला सनब्लॉक है कि आप अगर ये स्ट्रेंथ यूज करेंगे तो आपको हर 5 घंटे के बाद इसे रीअप्लाई करना पड़ रहा है अगर आप इंडोर्स हैं. अगर आउटडोर्स हैं तो हर 4 घंटे के बाद, और मगरिब तक आपने करना होता है. मगरिब के बाद इसे करने की जरूरत नहीं होती. अब मैं आपको थोड़े सनब्लॉक्स दिखाने लगी हूँ. बड़े डिफरेंट तरह के सनब्लॉक्स हैं, हर तरह के मैंने रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं. जिन लोगों की स्किन जो है वो ड्राई है, ड्राई स्किन वाले हैं, कोई कास्ट भी नहीं चाहिए, तो फिर आप जो है वो ये वाला सनब्लॉक यूज कर सकते हैं. इसमें UVA UVB दोनों का प्रोटेक्शन है, यानी कि SPF 50 है और 1+ का साइन भी है. तो इसको लगाना भी बहुत ईजी है. जिन लोगों की थोड़ी मेच्योर स्किन है, थोड़ी ड्राई स्किन है, थिन स्किन है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है. अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और, इसको देखिए आप. ये भी बहुत अच्छा सनब्लॉक है. नॉर्मल स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले इसको आसानी से लगा सकते हैं. इसमें 70 SPF है और उसके साथ साथ जो है वो प्लस भी है, और इसको भी आप उसी तरह से यूज करेंगे. कोई कास्ट नहीं छोड़ता. इसमें हल्का सा टिंट है, जब आप स्किन पे लगाएंगे तो आपको लगेगा कि स्किन बहुत फ्रेश लग रही है. आपको बुरा लगने की बजाय अच्छा लग रहा होगा. इसको लगाना बहुत ईजी है. अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और सनब्लॉक दिखा रही हूँ. ये वाला सनब्लॉक देखें, जिन लोगों की स्किन ड्राई है या जिन लोगों की स्किन थोड़ी मेच्योर होती है और वो थोड़ा ग्लो सा चाहते हैं स्किन के ऊपर, तो उनके लिए ये वाला सनब्लॉक है. इसमें भी 50 SPF है और साथ 2+ के साइन है, तो ये भी बहुत अच्छा है कवरेज के हिसाब से, प्रोटेक्शन के हिसाब से, और उसके साथ साथ टेक्सचर के हिसाब से. अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और, जिन लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव है और वो हमें कहते हैं कि मेरी स्किन तो, मैंने सनब्लॉक लगाया भी हो, मैं किचन में जाऊँ या धूप में जाऊँ तो मेरी स्किन जो है वो एकदम से रेड होना शुरू हो जाती है, उनके लिए ये है. ये वाला सनब्लॉक जो है इसके अंदर भी SPF 50 है और साथ में 1+ का साइन है, और ये जो है ये सेंसिटिव स्किन के लिए है और बहुत अच्छा काम करता है. अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और सनब्लॉक. ये जो है ये बिल्कुल ड्राई टच सनब्लॉक है. ये ड्राई टच सनब्लॉक का मतलब ये है कि जिनकी स्किन ऑयली है, जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, वो ये वाला सनब्लॉक या पसीना ज़्यादा आता है तो वो ये वाला सनब्लॉक यूज़ करेंगे तो उनको इशू नहीं होगा. ये जो है इसके अंदर भी SPF 50 भी है और साथ में प्लस का साइन भी है,
तो ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनकी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन है, या स्किन जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल आता है या स्वेटिंग होती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और, ये जो है इसमें SPF 60 है और उसके साथ साथ जो है वो 3+ के साइन है। कोई टेक्सचर नहीं है, जो मर्जी लगा ले। ड्राई स्किन है, मेच्योर स्किन है, ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल, जो मर्जी लगा ले, बहुत अच्छी कवरेज है। कोई टेक्सचर नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई भी इसको लगा सकता है। इसी तरह का मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये वाला सनब्लॉक देखें, फ्लूइड सनब्लॉक है, जो मर्जी लगाए, 50 SPF है और 1+ का साइन है। लड़के भी लगाएं, आदमी भी लगाएं, तब भी कोई कास्ट नहीं होगी, कोई कलर नहीं होगा, क्योंकि मेल जो है ना वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये नजर आता है तो मैंने नहीं लगाना, उनको अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप ये वाला लगाएंगे तो इसकी कोई कास्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, आप बहुत आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी लगा सकता है इसको। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूं, इसमें ये देखें, कोई टेक्सचर नहीं है, कोई कास्ट नहीं देता, कोई कलर नहीं फेस के ऊपर नजर आता, आराम से कोई भी लगा सकता है। इसमें क्या है जी, इसमें 100 SPF है और उसके साथ ही जो है वो UVA का कवर भी है, ठीक है, कोई भी लगा सकता है, एनी स्किन टाइप, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी लगा सकता है, बिल्कुल नजर नहीं आता, कोई कास्ट नहीं देता। अब मैं आपको दिखाने लगी हूं एक और सनब्लॉक जिनकी स्किन एक्नी प्रोन है और ऑयली स्किन है और वो ये चाहते हैं कि उनको कोई एक चीज दे दूं, उनको कोई बीबी क्रीम, कोई फाउंडेशन, कुछ ना लगाना पड़े, स्किन एकदम से हेल्दी फ्रेश लग रही हो, ये उनके लिए बहुत जबरदस्त है। इसमें कलर्स अवेलेबल होते हैं, ये वाला सनब्लॉक बहुत अच्छा है, बिल्कुल ड्राई है, इसको जब आप लगाएंगे तो आपकी ऑयली स्किन जो है वो आपको बिल्कुल भी ऑयली और आपको ज्यादा ऑयली भी नहीं लगेगी और आपकी स्किन ड्राई भी नहीं लगेगी, और आप लगाएंगे तो बहुत फ्रेश और हेल्दी लुक आएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और, ये वाला जो सनब्लॉक है इसको देखें, ये कॉम्पैक्ट की फॉर्म में है, इसके अंदर भी टिंट है, इसके अंदर कलर्स भी अवेलेबल होते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें एक ही चीज दें, या हम काम पे जाते हैं, या हम स्टूडेंट्स हैं, या हमने रोज बाहर जाना होता है और हमें कोई ना कोई फाउंडेशन टाइप की चीज लगानी होती है, तो ये उन्हीं के लिए है, ये एक ही चीज आप लगाएंगे, आपको कोई और मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये जो है ये नॉर्मल स्किन या फिर ऑयली स्किन वालों के लिए, कलर्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अब मैं आपको एक और दिखाने वाली हूँ, ये वाला सनब्लॉक देखें, ये वाला सनब्लॉक जो है इसके अंदर भी टिंट डला हुआ है, इसके अंदर कलर्स भी अवेलेबल होते हैं। जिन लोगों की स्किन नॉर्मल है या थोड़ी सी ड्राई या थोड़ी सी मेच्योर है, वो बड़ी ग्लोई सी स्किन चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। मैंने यही लगाया हुआ है, मैं आपके सामने जब आना होता है मैंने तब भी यही लगाया होता है, मैं क्लिनिक पे जाती हूँ रोज, तो तब भी मैंने यही वेयर किया हुआ होता है। ये टिंटेड सनब्लॉक है, लेकिन बहुत मजे का इसका बहुत शेयर सा लुक आता है, बहुत ही हेल्दी ग्लोई स्किन लगती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और सनब्लॉक, ये सनब्लॉक उन लोगों के लिए जो कि टिंटेड सनब्लॉक यानी कि फाउंडेशन की तरह कलर नहीं चाहते सनब्लॉक में, लेकिन वो ग्लो चाहते हैं कि स्किन जो है वो बड़ी रेडियंट और हेल्दी और ग्लोई फील हो, उनके लिए ये जो है ये रेडियंस भी देता है, ठीक है। ये वाला सनब्लॉक जो है वो रेडियंट सनब्लॉक है, कोई कलर नहीं, कोई कास्ट नहीं है, लेकिन जब आप लगाएंगे तो जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो ग्लोई और बहुत ही हेल्दी आएगी, ठीक है, शाइनी ग्लोई आएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक और सनब्लॉक दिखाने वाली हूँ, ये सनब्लॉक जो है स्प्रे फॉर्म में है, बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं और वो खड़े नहीं होना चाहते, इतना टाइम नहीं होता मदर्स के पास, स्प्रे सनब्लॉक बॉडी पे करें, फेस पे करें, बस स्प्रे किया एंड यू आर डन, ठीक है। तो आप बच्चों को, तीन बच्चों को भी लगाएंगे तो आपको 3 मिनट भी नहीं चाहिए, फौरन से उनको लग जाएगा, क्योंकि आपने आईज बंद करानी है और आपने ये स्प्रे करवा देना है, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, नेक्स्ट वीक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।